दोस्तों, अयोध्या में स्थापित रामलला का मूर्ति का रंग आखिर काला क्यों रखा गया, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दिन किया गया, जिसमें देश के करोड़ों लोग शामिल हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश के करोड़ों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश अयोध्या मग्न हो गया और घर घर में प्रभु श्री राम की पूजन की गई। मंदिर के गर्भगृह में बाल स्वरूप राम की मूर्ति को स्थापित किया गया। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रभु श्री राम लला के मूर्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताते हैं। दोस्तों, मूर्ति का निर्माण मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा किया गया। वही मूर्ति में श्री राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप को दिखाया गया, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक और एक आभा मंडल भी बनाया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए तुंगभद्रा नदी से शिला ली गई है, जिसे योगीराज द्वारा मूर्ति का रूप दिया गया है। दोस्तों, सवाल अब यह उठता है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया। दोस्तों, दरअसल वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम को श्यामल वर्ण का उल्लेख किया गया है। वहीं जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया वह काले रंग का ही है। यह शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। आपको यह भी बता दें कि मूर्ति का नाम बालक राम कर दिया गया है, क्योंकि यह 5 वर्षीय बाल स्वरूप में मौजूद है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति अभिषेक का प्रचलन है, जिसके तहत मूर्ति के ऊपर दूध या जल का अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही मूर्ति के ऊपर सिंदूर और रोड़ी लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में श्यामल वर्ण की शिला होने के कारण मूर्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा और मूर्ति हजारों वर्षों तक वैसे ही स्थिति में रहेगी। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह 1000 सालों तक अपनी मूल रूप में ही बना रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे।